नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक शास्त्र विभाग से बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स में व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी का फिलोसॉफिकल व्यू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इस विषय की रोचकता, इस विषय का जो महत्व है और वर्तमान समय में विज्ञान की कोई भी शाखा क्वांटम मैकेनिक्स से अछूती नहीं है। विज्ञान की हर शाखा को, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, हर किसी को क्वांटम मैकेनिक्स के मदद में आना पड़ता है, मदद लेना पड़ता है। बहुत जल्दी से मैं कुछ बातों को दोहरा देता हूँ। हमने इन दो व्याख्यान में आपको ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है 1900 तक का डेवलपमेंट है और बेसिकली मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डील करती है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो हमें अपने सोच में, अपने जो अभिधारणाएँ हैं, नियम हैं, उनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत संक्षेप में कुछ बातें आपको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। जो आज का व्याख्यान अपना तय है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ऐसे अनेक प्रभाव हैं जिनकी व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर संभव नहीं हो पाई। और इसके आधार पर ये लगा कि निश्चित रूप से हमको कुछ दूसरी ब्रांच में, या कहिए जो नियम हैं, उनमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। मैंने कल आपको समझाया था कि क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिकली जो जन्म है, जो शुरुआत होती है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम से होती है। ब्लैक बॉडी से आप परिचित हैं और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपने सेकंड ईयर तक थर्मोडायनेमिक्स में सीखा हुआ है। उस नॉलेज को रिकॉल करते हुए आप देखिएगा, मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए इंटेंसिटी और वेवलेंथ में ग्राफ खींचा है, और जो ग्राफ खींचा गया है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर खींचा गया है। 904 केल्विन, 1095, 1259, 1646 केल्विन, इन सभी टेम्परेचर पर कांस्टेंट रखते हुए हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ का स्टडी किया है। आप ग्राफ को गौर से देखिएगा, जब एक टेम्परेचर है, जब हम वेवलेंथ का मान बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी का मान बढ़ रहा है, इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम हो रहा है, फिर ये कम होने लग रहा है। और इंटेंसिटी का मान जो मैक्सिमम हो रहा है, यह किसी एक विशेष वेवलेंथ के मान पर हो रहा है। इसके जो गुणधर्म हैं उनकी हम संक्षेप में कुछ व्याख्या कर लेते हैं। आप देखिएगा, जैसे जैसे किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, वैसे ही उत्सर्जित प्रत्येक तरंग दैर्ध्य की तीव्रता के मान में वृद्धि हो रही है। किसी स्थिर ताप पर स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। किसी एक टेम्परेचर पर हम देख रहे हैं जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस है, उसका मान वेवलेंथ के बढ़ाने पर बढ़ रहा है। जैसा अभी आपको बताया, किसी विशेष तरंग दैर्ध्य पर यह अधिकतम है। मान लीजिए हमने उस विशेष तरंग दैर्ध्य को लैम्डा एम से मार्क किया है
और फिर वेवलेंथ का मान और आगे बढ़ाने पर ये जो तीव्रता का मान है ये कम होने लगता है। ताप को बढ़ाने पर, जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि मैंने 904 केल्विन से 1095 किया है, 1259 किया है, 1646 केल्विन किया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लैम्डा एम का मान है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू की है वो है बाईं तरफ शिफ्ट हो रही है, अर्थात लैम्डा एम का मान कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ताप के बढ़ाने पर लैम्डा एम का मान कम होने लगता है, और इसको मैंने ग्राफ में डॉटेड लाइन से दिखाया है। ग्राफ के नीचे का जो पोर्शन है, यह नीचे का पूरा क्षेत्रफल किसी विशेष ताप पर कुल उत्सर्जन क्षमता को, कुल उत्सर्जन ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है। इस तरह के जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उनका जो स्पेक्ट्रम लिया है, उस स्पेक्ट्रम के जो गुणधर्म है उसकी मैंने विवेचना की है। इस पार्ट बी में, चूँकि आपके एग्ज़ाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होगा, पार्ट बी में कई बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम से संबंधित दो क्वेश्चन आते रहे हैं। एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के प्रमुख अभिलाक्षणिक गुणधर्म को लिखेगा, दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो या तो रेले जीन्स लॉ के नाम से आया है अथवा अल्ट्रावायलेट कैटा एस्टोर्पी के नाम से आया है। उन दोनों बातों को अब हम डील करते हैं। देखिएगा, रेले जीन्स लॉ ने इन रेडिएशंस का स्टडी किया और उन्होंने कहा कि हम इन रेडिएशंस को हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान सकते हैं, और हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान करके फिर उन्होंने ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत को लगाया। ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ऑसिलेटर की जो कुल ऊर्जा है, जो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर है, केटी का प्रयोग किया, और केटी का प्रयोग करके फिर साइंटिस्ट रेले एंड जीन्स ने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है। जब हम एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं, इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर दे ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी विच इज ई न्यू इज इक्वल टू 8π𝛎² / c³ kT kT। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिएगा, खासतौर से 8π𝛎² / c³ जो एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड kT इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। kT इज टोटल एनर्जी विच इज ऑब्टेन बाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत है, उस मान का प्रयोग करते हुए यह ऊर्जा घनत्व का समीकरण निकाल लिया गया है। अब हम इस समीकरण से जो इसमें प्राप्त हुई है, उस एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप ग्राफ प्लॉट करने में देख रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, और ग्राफ हमने दो ब्रांच में लिया है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू ली है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लो फ्रीक्वेंसी पे लगभग मैच कर रही है, उनमें बहुत अंतर नहीं है। जबकि जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होने पर जो कर्व है, जो वक्र है, वो दोनों विपरीत दिशाएं ले रहा है। दोनों का विपरीत दिशा लेने का अर्थ ये है कि जो कुछ रेले जीन्स लॉ से हमने ड्राइव किया गया है, वह रिजल्ट निश्चित रूप से हाई फ्रीक्वेंसी पर संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ थ्योरेटिकल रिजल्ट्स है, वह थ्योरेटिकल रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैचिंग में होना चाहिए। इस तरह की जो उलझन पैदा हुई है, इस तरह की जो ये पैराडॉक्स डेवलप हुआ है, हम इस पैराडॉक्स को अल्ट्रावायलेट कैटा एस्टोर्पी के नाम से जानते हैं। इस प्रॉब्लम को अब साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, जो कि बेसिकली जर्मन फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने टैकल किया, और जर्मन फिजिसिस्ट ने इस कार्य को थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप देने का प्रयास किया, और उन्होंने इस काम को 14 दिसंबर 1900 में दिया, और उन्होंने बतलाया कि जो रेले जीन्स लॉ निकाला गया है, उसमें जो दोनों साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वह रिजल्ट इसलिए मैचिंग नहीं हो रही है एक्सपेरिमेंटल के साथ में कि उन्होंने ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत प्रयोग किया है। ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से ऊर्जा का जो मान केटी निकाला है, उस केटी के मान के कारण एनर्जी डेंसिटी का जो मान है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी के मान पर थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में बहुत अंतर आ गया है।
इसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी को जिम्मेदार माना और कुछ उन्होंने अपने अभिकल्पनाएं दी और उन अभिकल्पनाओं के आधार पर क्वांटम मैकेनिक्स का एक तरीके से हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण नींव पड़ी है। और इस कार्य के लिए साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ भी मिला। बाद में साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक को इतना आइडिया नहीं था कि वो इतना अद्भुत काम कर दिए हैं। बहुत बाद में जाकर के उनको ये अनुभव हुआ कि उनकी जो अभिधारणाएँ थीं वो कितनी महत्वपूर्ण निकली हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन बने हैं। और उन्होंने अपनी अभिकल्पनाओं में दिया कि ऐसे जो रेडिएशंस हैं हम इनको हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान सकते हैं, जैसा कि रेले जीन्स लॉ ने माना था। ऑसिलेटर का जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन और अमिशन जो प्रोसेस होगा वह प्रोसेस कंटिन्यूस रूप में नहीं होगा। इस एनर्जी का जो मान है एब्जॉर्प्शन और अमिशन डिस्क्रीट वैल्यूज़ में होगा, और डिस्क्रीट वैल्यूज़ में होने के लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। एन का मान 1 है तब उस केस में ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी होगा वह एच न्यू होगा। अर्थात इस केस में एनर्जी का जो एक्सचेंज होना है वह एक्सचेंज चाहे उत्सर्जन की फॉर्म में हो, अवशोषण की फॉर्म में हो, ऊर्जा का जो मान आएगा वह मान सतत रूप से प्राप्त नहीं होगा, वह एच न्यू के मल्टीपल में प्राप्त होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण के जो सूक्ष्मतम मान है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वह एच न्यू है, इसके मल्टीपल में मिलेगी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का जो मान होगा वह एच न्यू होगा। इस अभिकल्पनाओं के आधार पर मैक्स प्लैंक ने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालने का प्रयास किया, और उन्होंने एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन में जो फॉर्मूला यूज किया है वह मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज किया। और मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जो लिखे जाते हैं उनकी जो संख्या होती है वह इस समीकरण से दी जाती है। नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन एनी स्टेट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। देयरफोर एवरेज एनर्जी को हमने इस प्रकार से लिखा है। इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, यह न्यूमरेटर पार्ट टोटल एनर्जी को बता रहा है। डिनोमिनेटर पार्ट जो नीचे वाला भाग है वह दोलित की संख्या को बता रहा है। उन दोनों का जो अनुपात है उस दोनों के अनुपात से हमको एवरेज एनर्जी का मान प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण को हल करने के लिए हमने एच न्यू बाई के टी को एक्स मान लिया है, और इसका जब सब्सिट्यूशन हमने किया है e की पावर माइनस एन एक्स तो हमें एक इनफाइनाइट सीरीज प्राप्त हो रही है। इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है वह आपने 12th क्लास में सीखा हुआ है। इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वह a अपॉन 1 माइनस r होता है। इसलिए इस इनफाइनाइट सीरीज का यह सम ज्ञात कर लिया गया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। इस प्रकार के हमारे पास ये दोनों रिजल्ट्स प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों रिजल्ट्स का जो एवरेज एनर्जी का समीकरण है उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये समीकरण हो गई है के टी एक्स समेसन ऑफ एन ई की पावर माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स। इसमें के टी एक्स और जो न्यूमरेटर वाला भाग था उसका मान हमने रख दिया है, वह मान रखा गया है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 1 माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स। जब हम इस समीकरण को हल कर रहे हैं तो हमें एवरेज एनर्जी का मान प्राप्त हो रहा है के टी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, जो रेले जीन्स लॉ में जो एक्सप्रेशन प्राप्त की गई थी उसमें केवल के टी आया था। अब इस के टी के स्थान पर जो एवरेज एनर्जी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकाली गई है हम उसका सब्सिट्यूशन कर सकते हैं, और सब्सिट्यूशन जब हम कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन देखिए क्या बन रही है, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई के टी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1। सो फाइनली एक्सप्रेशन बिकम इज 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये एक्सप्रेशन एनर्जी डेंसिटी का हमको मिला है।
इस एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन से आप परिचित हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में जब आपने लेज़र निकाला है, लेज़र में आपने स्टिमुलेटेड अमीसन पढ़ा है और वहाँ पर आपने आइंस्टीन कोफिशेंट निकाले हैं, आपको ध्यान आ गया होगा B12, B21, A21 सारे कोफिशेंट आइंस्टीन के निकाले गए हैं। उन कोफिशेंट के मान की गणना लास्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आपने की थी वो इसी समीकरण के आधार पर की थी, जो ये समीकरण एनर्जी डेंसिटी का मिला है। हम इस समीकरण को ही प्लैंक रेडिएशन लॉ के नाम से कहते हैं और यह एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट्स के साथ में मैचिंग है, इसका मेल खाता है, चाहे लो फ्रीक्वेंसी हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी जैसी जो प्रॉब्लम है उसको हम इससे दूर कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसका अभ्यास करें और कल हम जो टॉपिक प्रारंभ करेंगे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी हम पहले उन रिजल्ट्स की बात करेंगे जो वैज्ञानिक हर्ट्ज ने प्राप्त किए हैं और उन रिजल्ट्स को समझने के बाद फिर दूसरे वीडियो में आइंस्टीन के द्वारा किस प्रकार उसकी व्याख्या दी गई है उसको हम समझेंगे। धन्यवाद।